हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश ठाकुर आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा मंदिर जहां पे तीन देवता एक साथ विराजमान हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर की बात करें तो ये लगभग शिमला से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जुब्बल तहसील के अंतर्गत थाना गाँव में पड़ता है, पुजारली नामक स्थान पर, बहुत ही सुंदर, जो बिल्कुल बांदल में स्थित है। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में बिल्कुल नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया ये मंदिर। फ्रेंड्स, ये देखिए चौकीदारी सूची, तीनों देवताओं की अलग अलग शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मंदिर का निर्माण कार्य देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया। ये देखिए, लकड़ी का कार्य हो चाहे टाइल्स का कार्य हो, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इस पुजारली मंदिर में देवता महाराज बनाड देशमोलिया और क्यालू देवता महाराज विराजमान है। बनाड और क्यालू देवता महाराज का असली स्थान रोटान में है, जो इसके बिल्कुल पास में ही है, थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। ये शिव देवता हैं। देशमोलिया देवता महाराज का असली स्थान ढाडी गुनसा में है। तो अब ये तीनों यहाँ पे इस मंदिर में विराजमान है। फ्रेंड्स, इस मंदिर की प्रतिष्ठा सन 2017 में की गई है। समस्त गांव वासियों ने इसे बनाने में काफ़ी मेहनत की और मंदिर को बहुत ही खूबसूरत बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं देवता महाराज के दर्शन करने के लिए और खूब आनंद उठाते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पे स्थित है ये, तो बहुत अच्छा मन लगता है उनका यहाँ पे आकर के। फ्रेंड्स, कहते हैं कि देवता महाराज के दर्शन करने जो भी श्रद्धालु आते हैं वे यहाँ से खाली आप बिल्कुल नहीं जाते, देवता महाराज उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हर साल जागरा और विशु होता है, श्रद्धालु यहाँ आकर जागरा और विशु में खूब आनंद लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, सजाया गया और काफ़ी मेहनत से काम किया गया इस मंदिर को बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं बैक साइड का दृश्य गांव का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे अच्छे घर हैं और ये चारों तरफ से ये मंदिर घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ अच्छे अच्छे गांव दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ के स्कूल का दृश्य, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पुराना स्कूल है। और ये देखिए पेड़, कायल के पेड़ों से घिरा हुआ हरा भरा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आपको दिखाएंगे ये सुंदर बाजार का दृश्य, जो मांदल में बाजार है। अब धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पर
और ये काफ़ी अब फेमस हो चुका है ये स्टेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस मंदिर के लिए जो रोड जाता है सीधा, वो यहाँ से राइट साइड की तरफ को बाइफ्रिकेट होता है, तो बिल्कुल इस ट्रक के पीछे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ठाणा गांव बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक दृश्य है जो जगटान से लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स, ये क्याड़ू देवता महाराज का ये मंदिर बहुत ही अच्छा बनाया गया है यहाँ पर भी, और यहाँ गांव के लोग यहाँ आकर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं इसको, और इसका निर्माण कार्य भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। फ्रेंड्स, इस गांव में देवता बनार महाराज का भी मंदिर है, वो भी बहुत सुंदर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।